हमारा बॉस भी कितना होशियार है, नकली नोट देकर असली हीरे हासिल कर लिए। अब इस ड्रामे का अंजाम भी देखते जाएं। मैं तो ये समझा कि आज हम पुलिस के हाथों पकड़े गए। केशव, लाओ ये अटैची केस मुझे दे दो। नहीं, बॉस ने ये अटैची केस मुझे अपने पास रखने के लिए कहा है। इस वक्त मैं बॉस हूं। इसका अंजाम ठीक ना होगा डिसोजा। जब इतनी दौलत हाथ आती तो अंजाम की फिक्र कौन करता है। लाओ। लोगों से इस मंगलरों के गैंग को खत्म करने के लिए कहा गया था और आप ये लाए, ये बेजवाल चीजें, भला उनके बारे में ये क्या बता सकती हैं? सर, अगर केशव मारा न जाता तो अब तक इस मंगलरों को खत्म कर दिया गया होता। अगर मगर से कोई फायदा नहीं। आई वांट रिजल्ट। वेल सर,
केशव का भाई 6:30 की गाड़ी से यहाँ पहुँच रहा है। हम सोचते हैं कि इस मामले में हमें उससे काफी मदद मिल सकती है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, डू समथिंग, गेट द गैंग। सर आप इत्मीनान रखिए, हम इस गैंग को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। केशव के भाई का यहाँ आना हमारे हाथ में बहुत अच्छा है। ठहरो, क्या चाहिए आपको? जी मेरे भाई इस बिल्डिंग में रहते हैं। क्या नाम है उसका? केशव। केशव, तो तुम केशव के भाई हो? जी। और ये उसकी बहन? तो बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। मैं केशव का दोस्त सुंदर हूँ और ये मेरी बेटी बेला। चलो बेटी अंदर चलो। चलो लता। चलो चलो चलो। केशव ने मुझे सब कुछ कह दिया था कि तुम लता की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए आने वाले हो। भगवान ऐसा भाई सबको दे। हर वक्त तुम्हारा जिक्र, लता की बातें, भाई को बड़ा आदमी बनाऊंगा, लता की आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, तब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। भैया ही हमारे लिए सब कुछ है। फिर भी मैं आज भैया से लड़ूंगी। वो हमें स्टेशन पे लेने क्यों नहीं आए? हाँ बेला जाओ, चाय का बंदोबस्त करो, जाओ जल्दी जाओ। जी पिताजी। आओ, आओ, चलो। ये है केशव कमरा। बहुत बड़ा कमरा है ना? क्या है ये? भैया की चीजें यूं ही इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं। बहुत लापरवाही मेरे भैया। अब देखिए ना, हमें स्टेशन से लेने आ रहा तो भूले ही, पर हम यहाँ आए तो भी उनका कहीं पता नहीं। कहाँ है मेरे भैया? आप चुप क्यों हैं? कहाँ है भैया, आप बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं शेखर, केशव हमें छोड़कर चला गया। 3 दिन हुए केशव का के एक्सीडेंट में जलकर मर गया। इंस्पेक्टर वर्मा। चलिए क्या बात है, आपको मेरे साथ चलना होगा। हमें आपके भाई की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। शेखर लता की फिक्र मत करो, उसकी देखभाल बेला करेगी। जल्दी नहीं, पहले मुझे बोतल रखने दीजिए। घबरा गए?
ओके, रख दो ने। हेलो बॉस, केशव के भाई को पुलिस वाले ले गए हैं। अच्छा, तुम उसके पीछे रहो और देखो कि वो क्या करता है। राइट, मेरे भाई का खून कर दिया, लेकिन मुझे तो ये कहा गया था कि मेरे भाई कार एक्सीडेंट में मारे गए। हाँ, इस स्मगलर कत्ल को एक्सीडेंट की शक्ल देकर हमको बेवकूफ बनाना चाहते थे। हमने भी उनको गफलत में रखने के लिए जायरा ने एक्सीडेंट की बात मान ली। स्मगलरों ने मेरे भाई का खून कर दिया, मेरे भाई का खून कर दिया। आप नहीं जानते साहब, मेरे भाई एक भले और नेक इंसान थे। मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं, उनके हाथों कोई गुनाह होना नामुमकिन था। जरूर बदमाशों ने उन्हें अपने जाल में फंसाया होगा। मैं उनके खून की कसम खाता हूं, मैं उन्हें बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा, उनके माथे पे लगा कलंक मिटा दूंगा। तुम अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते हो, तुम समझते हो तुम्हारा भाई बेगुनाह था। मुझे यकीन है, तो अपने भाई के कातिलों को पकड़वाने में हमारी मदद करो। कहिए मुझे क्या करना होगा। मूनलाइट क्लब की डांसर रीटा और तुम्हारे भाई में गहरा दोस्ताना था, और वो तुम्हारे भाई और उसके कातिल के बारे में बहुत कुछ जानती है, लेकिन वो हमें बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं। तुम रीटा से मिलो, वो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाएगी। इस तरह हम उन लोगों को खत्म कर सकेंगे जिन लोगों ने तुम्हारे भाई का कत्ल करवाया। ठीक है, मैं रीटा से आज ही मिलूंगा। गुड लक। थैंक यू। सर, क्या आपने इसकी बातों का यकीन कर लिया? मेरा ख्याल है वो सच्चा आदमी, और फिर भी उस पर निगरानी रखने का काफी इंतजाम कर दिया। सॉरी भाई साहब, सॉरी। इट्स ऑल राइट। अरे बेटा, तुम कैसी अच्छी हो ना, मैं तो तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, बातें मत बना, बटवा निकालो। बटवा? कैसा बटवा, किसका बटवा, कभी का बटवा, कौन बटवा? छबीले, मैं तुम्हारी नस नस पहचानती हूँ। बटवा निकालो, निकालो बटवा, निकालो। ये लीजिए, ये अपने केशव के छोटे भाई है। ये सांप कौन है? मैं बेला को होने वाला वो हूँ, जान गए ना, समझ गए ना। बस बस, बकवास बंद करो। हाँ, पुलिस वाले से क्या बात हुई? मुझे मुंडाइट क्लब की डांसर रीटा से मिलना है। अच्छा, तो चलो मेरे साथ, मैं भी वही काम करती हूँ। चलो चलो।
आप मुझे पहचानती हैं? हाँ, तुम्हारा भाई केशव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अगर तुम ना आते तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाली थी। मुझसे मिल रहे? हाँ, केशव का पैसा मेरे पास जमा रहता था, वही पैसा तुम्हें देना था। मेरे भाई का पैसा और आपके पास? हमारी शादी होने वाली थी। केशव ने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे पता था कि तुम अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन करवाने आ रहे हो। तब तो आप मेरे भाई के बारे में सब कुछ जानते होंगे। केशव ने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि मेरे भाई का खून किसने किया? तुम्हारे भाई का खून? और केशव की मौत तो कार एक्सीडेंट में हुई, क्या तुम्हें मालूम नहीं? बनो मत मिस रीटा, पुलिस ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे भाई का खून हुआ है, और तुम ये भी जानती हो कि मेरे भाई का कत्ल कौन है। शेखर! और मिस रीटा, मेरे भाई का खून किसने किया है तुम्हें उसके प्यार की कसम सच सच बता दो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं बता सकती। या तुम कुछ पता नहीं नहीं चाहती? तुम्हें गलत फहमी हुई है शेखर, इस झूठे बहम में ना पड़ो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपनी बहन का इलाज करो ताकि उसकी आंखें ठीक हो जाए और वो इस दुनिया की रंगीनियां देख सके। यही केशव की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और अपने भाई के कातिल को भूल जाओ। तुम कैसी औरत हो? क्या ये तुम्हारा भी फर्ज नहीं कि मेरे भाई के खून का बदला लेने के लिए तुम भी कुछ करो? शेखर, तुम नहीं जान सकते कि एक औरत के दिल में क्या जज्बात होते हैं। तुम ये भी नहीं जानते कि मजबूरी जज्बात का गला घोंट देती है, इंसान को सिसकने भी नहीं देती, रोकर दिल का बोझ भी हल्का नहीं करने देती। तुम फर्ज की बातें करते हो पर मजबूरी का बंधन नहीं जानते। ये रुपए रखो, ये तुम्हारे भाई के प्यार की निशानी है। इनसे अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराओ और उसके अच्छे होते ही इस शहर को छोड़कर चले जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम मेरी मदद करो या ना करो, मैं अपने भाई के कातिल का पता लगा कर ही रहूंगा। यकीन करो शेखर, अगर तुम्हारे भाई जिंदा होते तो वो भी यही कहते। जाओ, मैं किसी डॉक्टर का पता करके तुमसे मिलती हूँ। ओके बॉस। तुम यहाँ क्यों आए हो? देख नहीं रहे हो, मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ। यही देखने के लिए तो आया हूँ। बेला, जब तुम ड्रेसिंग करती हो तो मुझे कितनी दिलकश और कितनी खूबसूरत नजर आती हो बेला। तो शायद तुम्हें मालूम नहीं, मेरे डैडी अभी अभी आते ही होंगे। बेला, अब क्या होगा? बेला, मुझे छुपाओ। 32 नंबर 32, मुझे छुपाओ। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ चल। आइडिया आ गया, आइडिया। अरे बेला की बच्ची क्या कर रही है? दरवाजा खोल वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाऊंगा। नहीं खोलती, क्या कर रही है? बेला, बेला, बेला। मैं कहाँ हूँ? मेरी बाहों में। बाहों में? तुम कौन हो? मैं बेला की सहेली सुंदरी। सुंदरी, सुंदरी, तुम कितनी अच्छी हो, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। सुंदरी। डैडी। बेला, तू क्या कर रही थी? मैं गधे के माफिक बाहर चिल्ला रहा था एक घंटे से, दरवाजा क्यों नहीं खोलती थी? डैडी, आप मुझे कपड़े नहीं बदलने देते, मैं कपड़े बदल रही थी। सॉरी सॉरी, कपड़े बदलो। मैं समझा कि तू उस गधे के बच्चे छबीले से बातें कर रही है। छबीला कौन है? सुंदरी, सुंदरी, तुम नहीं जानती। अरे ये छबीला बड़ा बदमाश है, समझी? मेरी लड़की पर डोरे डाल रहा है, समझे? वो मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से मार डालूं। उसका सत्य ना जाए, उसका मुर्दा निकले, ऐसी खूबसूरत आंखों में कौन धूल झोंक रहा था? मैं उसकी आंखें नहीं निकाल लूंगा, निकाल लूंगी। मेरे इधर पटन लगा दे तो। अच्छा अच्छा, मैं जाऊँ? अभी जाओ ना प्रेमनाथ। प्रेमनाथ नहीं, सुंदरनाथ। सुंदर, तुम सुंदर और मैं सुंदरी। सुंदरी, जाओ ना। लड़की खड़ी है। जाओ ना। गया,
ड्राइवर बेटर रोड चलो। तुम होश में आ गए? कौन हो तुम? मुझे यहां क्यों लाए हो? तुम्हें यहां सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि सवालों का जवाब देने के लिए लाया गया। कैसे सवाल? यही कि तुमने पुलिस वालों से क्या कहा? तुम्हें इससे क्या मतलब? बात बिना मतलब कोई बात नहीं करते। बोलो, तुम पुलिस स्टेशन क्यों बैठे? जाओ। तुम समझते थे कि तुम यहां से भाग निकलोगे? एक बार जो मेरे पंजे में आया, फिर उसका यहां से भाग निकलना नामुमकिन है। अब बोलो, पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? Why? तुम यूं मेरी जबान नहीं खोल सकते। बोलो। हमारे पास तुम्हारी जबान खुलवाने के और भी रास्ते हैं। नंबर 7। बताओ, पुलिस ने तुमसे क्या कहा? बोलो। पुलिस ने कहा मेरे भाई कार एक्सीडेंट में नहीं मरे, स्मगलर्स ने उनका खून किया है। इस स्मगलरों के बारे में पुलिस क्या जानती है? मैं पूछता हूं कि स्मगलरों के बारे में पुलिस क्या जानती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम, क्या तुम अपने भाई के साथियों के बारे में कुछ जानते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। इससे हमें कोई खतरा नहीं, इसे ले जाओ और किसी सड़क के किनारे फेंकाओ। डॉक्टर, क्यों तुम? तुम मुझे नहीं पहचानते और मैं भी अभी तुम्हारी असलियत को पहचान सका हूं। ये देख रहे हो, ये उसी धमाके की यादगार है जिसका सेहरा तुम्हारे सर है। तुमने हमारा हमसे सब कुछ छीन लिया, उसके बदले में हमें बर्बाद कर दिया। तुम्हें गलत फहमी हो गई है, माल वजह भी नहीं मिला। मेरा ही एक आदमी माल लेकर लापता हो गया और उसी ने तुम्हारे जहाज को उड़ाया। मेरे पास वक्त नहीं। अगर 3 गिनने तक तुमने माल देना कबूल नहीं किया तो फिर कभी जिंदगी में दूसरा फरेब न कर पाओगे। 1, 2, 3।
मारना चाहते थे। याद रखो, जिस दिन मेरे बॉस तुम्हारा पता लगा लेंगे उस दिन तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हें शहर की हद पर छोड़ दिया जाएगा और अपने बॉस से कहो माल मिलने पर कीमत का हिसाब कर दिया जाएगा। ले जाओ इसे। चलो। शहर की हद आ गई, अब तुम जा सकते हो। नंबर 7। यस, नंबर 7 स्पीकिंग। शिकार आ गया है, अपना काम पूरा करो। ओवर। नहीं, खून हुआ है। मैं इस ड्राइवर को अच्छी तरह पहचानता हूं। पीछा करो इसका।
यहाँ बारूद फट रहा है, जल्दी उठो। अजनबी कातिल का पीछा करके आपको अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? ये एक लंबा किस्सा है। इन सब लोगों ने मिलकर मेरे भाई का खून किया है। आपके भाई का खून? हाँ, भाई के कातिल का पता लगाना ही होगा। चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं। रास्ते में मुझे सारी बातें बता देना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चलिए। अयो क्या जी, किससे मिलने का? क्या डांस नृत्य भरतनाट्यम सिखाने के वास्ते गुरु मांगता था, इस वास्ते आया। गुरु यम माधवन पट्टीपुरम कथकली चूना कली राम कली तथा बुने मदनपुरी सब कुछ सिखाता जी। तो आप डांस मास्टर हैं? बैठिए बैठिए। अयो अयो पट्टीपुरम वाला जी, बात सुनिए। बात यह कि मुझे मेरी लड़की के लिए डांस मास्टर की जरूरत है। डांस मास्टर? लड़की को बुलाओ, जरा देखेंगे। हाँ। अगर लड़की नहीं देखेगा तो नृत्य कौन सिखाएगा? ओ समझा। बेला 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 मेरी लड़की का नाम है। आइए आइए मास्टर जी, ये मेरी बेटी बेला है। आइयो यो 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 यो, क्या सुंदर पट्टी है जी। अयो बहुत खूबसूरत है, ये तो हमारा मुलुक वाला है जी, एकदम विजयंती माला। वेंकटरामन्ना वेंकटरामन्ना, ये कौन सी नृत्यकारी सिखा रहा है? अयो हम गुरु है जी, कोई गधा नहीं है। डांस के वास्ते खूबसूरत लड़की मांगता, समझते ना? लोग डांस नहीं देखते, लड़की देखते, समझे? तुम हमको क्या देखते जी, जाओ हमारे वास्ते काफी इडली डोसा सांभर सब कुछ लेके आओ, समझते ना? ओके अगर पिताजी ने पहचान लिया तो? असली मद्रासी नहीं पहचान सकते तो तुम्हारा बाप क्या पहचानेगा? ना बाबा, मुझे तो डर लग रहा है। डर? हाँ। जब प्यार किया तो डरना क्या क्या क्या, लुंगी छोड़ गया, मुझे बेवकूफ बनाता है। नहीं नहीं नहीं, शेखर क्या हुआ जी? कुछ नहीं, रह गिर पड़ा था। गिर पड़ा था? हाँ, पहले मोजा मोजा नहीं। चलो भैया 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 भैया, तो तुम कहाँ थे भैया? भैया तुम्हें क्या हो गया है भैया? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे गिर गया था। नहीं भैया, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने कल रात भर तुम्हारा इंतजार किया भैया। भैया तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ लता, तुम हमेशा यूं ही मेरे लिए परेशान होती रहती हो। यह मेरी बहन लता। बहन की परेशानी खुद ही बता रही है। भैया कौन है ये? मिस रेखा, यही मुझे यहाँ तक सहारा देके लाई है। रेखा जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं। रेखा जी आइए बैठिए, आइए आइए। मैं अंधी आपको देख तो नहीं सकती, पर आपके नेक काम से ऐसा लगता है कि जितना आपका दिल अच्छा है उतनी ही आप खूबसूरत भी होंगे। आपकी बहन तो बहुत ही सियानी है, मीठी बातों में ही मुझे उड़ा देना चाहती है। सिर्फ मीठी बातों से दिल नहीं भरता। लो, थैंक यू। हाँ शेखर,
तुमने ये तो बताया ही नहीं कि अब तक तुम कहाँ रहे। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि भैया कार एक्सीडेंट पे नहीं मरे, किसी ने उनका खून किया है। हाँ लता, इसी बारे में पूछताछ करते हुए मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जो नहीं चाहते थे कि मैं भैया के कातिल के बारे में कुछ जान सकूं। शेखर, ये शहर अच्छा नहीं है, यहाँ बिना मतलब किसी आदमी से उड़ज मत जाना। तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है लता की आंखों का इलाज कराओ। और अपने भाई को भूल जाओ। क्या मेरे भाई के लिए मेरा कोई फर्ज नहीं? मैं भैया के कातिल का पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। लेकिन भैया, भैया के हम पर बहुत एहसास है। क्या तुम ये चाहती हो कि जिस बेरहम इंसान ने भैया का खून किया उसको उसके गुनाह की सजा न मिले? और फिर मिस रेखा ने मेरी मदद करने का वादा किया है। तुम बेफिक्र रहो, हम दोनों मिलकर भैया के कातिल का पता लगा कर ही रहे। मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जाती। मैं चाहती हूँ कि कुछ देर के लिए तुम अपनी परेशानी भूल जाओ। लेकिन परेशान होने से क्या फायदा? कई दिनों से हम छानबीन कर रहे हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन तुम चाहती क्या? मुझे गलत मत समझो शेखर, मैं हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। थैंक्स शेखर, मुझे तुम पर ही भरोसा है। तुम जानती हो तुम्हारे बगैर इस बड़े शहर में मैं बिल्कुल ही खो जाऊंगा। शेखर, रेखा, शेखर मुझे एक काम याद आ गया, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। हम्म, हेलो बेबी, आर यू ऑल अलोन? वेल, व्हाई डोंट यू कम इन फॉर अ स्विम? Maybe some other time, sweetheart, okay? I'm waiting for you. Bye. Bye. Shekhar! Shekhar, tum yahan? Main Rekha ke saath aaya tha. Rekha? Oh, samjhi. Magar Rekha to kahin nazar nahi aati. Wo kuch kaam se gayi hui hai. Acha? Are, wo rahi Rekha. Rekha! Acha, main khud le aata hoon. Acha. मैं समझा तुम आती नहीं, काम हुआ? अभी तो नहीं, पर जल्दी हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके ये काम करना है। अगर तुमसे ये काम ना हो सके तो हमारे पास इसके दूसरे रास्ते भी हैं। ऑलराइट। एक बार जो मेरे पंजे में आया फिर उसका यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। हमारे पास तुम्हारी जबान खुलवाने के और भी रास्ते हैं। परेशान नजर आ रहे हो। परेशान होने जैसी बात है, जिसे मैं दोस्त समझा दुश्मन। कौन? रेखा। रेखा? हाँ, जानती हो मैं स्मगलर्स के बॉस के साथ बातें करते सुना। क्या कहते हो? जरूर रूम्स में नजर रखते, मेरे काम में रुकावट डालने के लिए ले सकते हैं। अब तुम रेखा की असलियत जान गए हो, अब उसके ऊपर नजर रखकर उसके बॉस का पता लगा सकते हो। अरे शिखर, वो आ रही है। छबीली से रेखा के बारे में बता देना। अच्छा, मुझे जरा देर हो गई। कोई बात नहीं, अक्सर काम में देर हो ही जाती है। मेरा ख्याल है तुम्हारा काम हो गया और मेरी भी परेशानी जाती है। चले। हेलो शेखर। मिस रीता, आप भी यहाँ? अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हारे घर गई थी। अच्छा, कोई खास बात भी? मैंने तुम्हारी बहन के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नारंग से बात की है, कल उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। थैंक्स। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो,
पर वक्त आने पर मेरे बारे में तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे आपसे कोई गलतफहमी नहीं। अरे बातों में मैं आप दोनों को इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। मैं समझा आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। नहीं तो? अच्छा चलिए मिल लीजिए, ये है मिस रेखा, इनके मुझ पर बहुत एहसान है और आगे भी होंगे। और ये है मिस रीटा, मशहूर डांसर, इनके बारे में मैं तुमसे जिक्र तो कर चुका हूँ। हेलो हेलो। अच्छा शेखर अब मैं जाती हूँ, कल सुबह लता को डॉक्टर के पास ले जाने आऊंगी। ओके बाय 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 बाय। हेलो क्या हो रहा? कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर, ऑपरेशन कामयाब हुआ। क्या मैं सचमुच फिर से देख सकूंगी? क्या मेरी इस अंधेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाएगी भैया? जानते हो भैया, जब मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी तो मैं सबसे पहले किसे देखना चाहूंगी? किसे? तुम्हें और रेखा को। भैया तुम जानते हो तुमसे कितना प्यार करती है, मैं देख नहीं पाती। पर औरत का प्यार समझने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती भैया, कानों से सुनकर भी उसे पहचाना जा सकता है। जब वो बातें करती है तो रेखा की आवाज़ में तुम्हारे लिए प्यार का सागर समाया होता है भैया। मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ, लक्ष्मी नारायण के जोड़े की तरह। हेलो लता। रेखा जी आप? हाँ ये फूल लो। आप कब आई? अभी आई। क्या खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? तुम बताओ ना भैया। मुझे कुछ नहीं मालूम लता। ये क्या भैया, क्या तुम मुझसे कुछ नाराज हो? क्या मैंने तुमसे कुछ गलत बात कह दी? ये बात नहीं है लता। शेखर मैंने उस औरत का पता लगा लिया है जो तुम्हारे भाई के खातिर की महबूबा थी, वही खातिर के बारे में सब कुछ बता सकती है। जल्दी करो हमें उसे मिलने जाना है। अच्छा लता मैं जाती हूँ, बाय बाय। ठहरो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, इस वक्त तुम्हारा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। चलो। अच्छा लता मैं फिर आता हूँ। मैं अभी सब ठीक किए देता हूं। देखो जाए। क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारा शेखर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन क्या किया उसने? मना करने पर भी वो केशव की मौत की छानबीन की जा रहा। तुम खामखा शेखर से घबरा रहे हैं। पागलों और बेवकूफों से हर कोई घबराता है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे सरफिरों का मैं इलाज जानता हूँ। डॉक्टर केशव ने इतने साल वफादारी से तुम्हारा साथ दिया, अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। रीटा मुझे डराने की कोशिश मत करो डॉक्टर, जानते हो मैं मौत से नहीं डरती। ओह डैम दैट शेखर। नंबर 7, नंबर 9। यस बॉस। तुम डिसूजा की प्रेमिका का पता जानते हो? यस बॉस। तो फिर उसके पास जाओ। डाका डालने नहीं आए, तुमसे एक सवाल पूछने आए। बताओ तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? मुझे कुछ नहीं मालूम, सच कहती हूँ मैंने कई हफ्ते से उसे नहीं देखा। चलाक मत बनो, उसका हम पता लगा ही लेंगे। कहाँ
कहाँ है वो? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। हमें हीरे नहीं चाहिए। अगर अटैची केस वापस मिल जाए तो बॉस हीरो को भूल जाएंगे। बताओ, तुम्हें मारा माल कर दिया जाएगा? कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल दी जाए तो प्लीज। स्वीटी, दरवाजा खोलो। इस वक्त मैं तुमसे नहीं मिल सकती। चले जाओ जॉनी, इस वक्त मैं तुमसे नहीं मिल सकती। हैप्पी बर्थडे टू। तुमने आज एक बेकसूर औरत की जान ले ली। शेखर, बेरहम औरत, आज उस लड़की का जन्मदिन था और तुम्हारे साथियों ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन शेखर सुन, अब मैं समझा कि रास्ते में टायर का एक पंक्चर कैसे हुआ। मुझे पहले से शुबा था कि तुम स्मगलर्स की गैंग की मेंबर हो और मुझसे भेद निकालने के लिए प्रेम का झूठा नाटक खेल रही हो। तुम औरत नहीं, जहरीली नागिन हो। लेकिन शेखर सुनो तो सही। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हें जो कहना है पुलिस स्टेशन में कहो। हम चाहते हैं वहां चुपचाप चले चलो। सिट डाउन। सिगरेट। बॉस, हमें शेखर की गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। मेरी गलतफहमी कब की दूर हो चुकी है? तुम दोनों स्मगलर्स के साथ हो, मेरे भाई के खूनी हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ बनने की कोशिश मत करो। हमारा स्मगलर से कोई संबंध नहीं। ये देखो, सीबीआई। हाँ, मैं सीबीआई का एक ऑफिसर हूं और रेखा मेरी असिस्टेंट। मैं यहाँ खास स्मगलर के मामले में दिल्ली से आया हूँ, क्योंकि स्मगलिंग के आड़ में देश के दुश्मन कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। हमारा ख्याल था इस मामले में हमें कुछ तुमसे पता चल सकता था, इसीलिए रेखा को तुम पर नजर रखने को कहा गया था। अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हुई। फिर उस दिन तुम स्मगलर्स के बॉस के साथ क्या बातें कर रही थी? स्मगलर्स के बॉस के साथ? हाँ हाँ, स्मगलर्स के बॉस के साथ। कब, कहाँ? मैंने तुम्हें उस दिन स्विमिंग क्लब में उससे बातें करते सुना। मैं उसे देख तो नहीं सका, लेकिन उसकी आवाज जरूर पहचान गया। मैं वो आवाज कभी नहीं भूल सकता।
जिस दिन से वो लोग मुझे पकड़ के अपने अड्डे पे ले गए उस दिन से ये आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। पर वहाँ मैं डॉक्टर जद्दी से बातें कर रही थी। हमारा क्लब उनके हॉस्पिटल को कुछ सामान डोनेट करने वाला है, मैं उसी के बारे में बातें कर रही थी। डॉक्टर जगदीश? तो फिर ये डॉक्टर जगदीश ही स्मगलर्स का बॉस है? पर वो तो शहर का मशहूर और इज्जतदार डॉक्टर है। शहरत और इज्जत की आड़ लेकर लोग देश में क्या क्या नाटक खेल रहे हैं। वेल मिस्टर शेखर, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने डॉक्टर जगदीश का असलियत का पता लगाकर हमारा काम कितना आसान कर दिया है। आज तक हम अंधेरे में थे, लेकिन अब स्मगलर्स के सरदार का पता चल जाने पर इस गिरोह को खत्म करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। मिस रेखा? यस सर। अब तुम डॉक्टर जगदीश की हरकतों पर नजर रखो। और मिस्टर शेखर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरा ख्याल है इस मामले में मिस रेखा के साथ काम करने में आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? जी नहीं। थैंक्स, मुझे आप लोगों पर बहुत भरोसा है। अब मैं जाता हूँ। वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑफिसर। आपको मेरे साथ काम करने में कोई एतराज तो नहीं होगा? मैं एक जहरीली नागिन नहीं हूँ, मुझसे डर तो नहीं लगेगा? देखा। साथ गई है दिल रुबा, कल की बात कल के साथ गई। आज से आओ करें मिलके कोई बात नहीं, आज से आओ करें मिलके कोई बात नहीं। है दिल रुबा जल को देख लिया, तरसेगा तरसेगा सावन ने तेरी जुल्फों में, बादल को देख लिया बरसेगा बरसेगा। कल के साथ गई है दिल रुबा, कल की बात
करना होगा? कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर को उल्लू बनाकर थोड़ी देर रोकना पड़ेगा ताकि शेखर उसके मकान की तलाशी ले सके। और अगर उसने मुझे पागल समझकर सचमुच मुझे बंद कर दिया तो? तो क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? मैं उस डॉक्टर के बच्चे को पागल बना दूंगा। अब्बा, अब क्या होगा? चलो। ये क्या? डॉक्टर ने माइक निकाल डाला। कम इन। हेलो मिस्टर ली। हेलो डॉक्टर। कम इन, कम इन। प्लीज सिट डाउन। हम इधर बैठने को नहीं आया है, हम तुमको पैसा दिया, हमको अभी तक माल नहीं मिला है, हम माल लेने को आया है। मिस्टर ली, हमारे साथ धोखा हुआ। हमारा ही एक आदमी गद्दार निकला। इसके जिम्मेदार हम नहीं, तुम है। मिस्टर ली, हम सच्चा बोला, तुमको बुरा लगा, हमको माल नहीं मिलेगा, सब स्किल फेल हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं, इस बात को मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी जिस मकसद के लिए दांव पर लगाई है, क्या वो मकसद पूरा किए बगैर मैं पीछे हट सकता हूँ? परसों दिल्ली से कॉमरेड कमांडर फुलिंग आने वाला है, सब जजन को बुलाया है, मीटिंग करेगा और डिस्कस करेगा। ठीक है। किधर करेगा मीटिंग? मेरे सेनेटोरियम में। वेरी गुड, अच्छा है, हम जाते हैं। आउट। तुमने अकलमंदी करके जो दूसरा माइक लगाया उससे मैं डॉक्टर की स्कीम का पता चल गया। तुम रेखा के साथ डॉक्टर की सेनेटोरियम में जाओ, हमें पता लगाना चाहिए घर के ये भेदी दुश्मन को कौन सी मदद पहुंचा रहे हैं। ओके। शुक्र है मोहब्बत के देवता का, जो तुम्हारे जालिम बाप के शिकंजे से बचाया। चलो डाली। नहीं, देना नहीं जाता। ओहो, अरे गधे का बोझ मैंने उठाया और थक तुम गई डार्लिंग। तुम्हें तो आदत है डार्लिंग। तो क्या मैं गधा हूँ? बातें मत बना, अब बता तू मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? डार्लिंग, शेखर और रेखा यहाँ डॉक्टर जगदीश के राज का पता लगाने के लिए आए हैं और उनकी मदद के लिए हमको यही रहना होगा। यही रहना होगा? यही? फिर अपना आने उनको क्या होगा? डाली, नाराज मत हो, इसी जंगल में मंगल मनाएंगे, जहाँ दो दिन मिले हनीमून। मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, ये जंगल पुराना, यहाँ पर है हमको हनीमून मनाना। तू तो दीवाना दीवाना दीवाना, तू तो दीवाना दीवाना दीवाना।
दिन दिना दिन तक दिना दिन दीवाना आदमी को बनाती है बीवियां, बंदर का नाच घर में नचाती है बीवियां। सुन मेरी डार्लिंग रे, सुन मेरी स्वीट हार्ट, वेर आर यू रे। मारे गए बने दिल बाहरों घास फैलाओ, मेरी घरवाली आती है, मेरी घरवाली आती है। तू जहां जहां चलेगा तेरा चार पुटी। हमें काले है तो क्या हुआ घर वाले हैं, हमें काले है तो क्या हुआ घर वाले हैं, हमें कैसे कैसे पक्यां देखो पाले हैं, हमें काले है तो क्या हुआ घर वाले हैं। अल्लाह इसको संभालो ना। आ दौड़ के आजा मेरी खाट, तुझे तेरा जाट बुलाता है। आ दौड़ के आजा मेरी खाट। सर पे जूते पड़े थे, तुम्हें याद होगा कभी हम लड़े थे। सर को झुका के बैठ यहाँ प्यार की माला जप रे, जब 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 ठप 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 बम 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 बम। मुझे दुनिया वालों निराशी न समझो, मोहब्बत में चटनी बनाई गई है, के तबला समझ करके महफिल में उसकी मेरी खोपड़ी तक बजाई गई है। एक मंडेली के चमवे तले, एक मंडेली के चमवे तले, दो बदन प्यार की भाप में भुन गए, दो बदन प्यार की भाप में भुन गए। एक मंडेली के चमवे तले, एक मंडेली के चमवे तले। कुमारों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, कुमारों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक बीवी दोगे वो चार चार देगा। कुमारों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम यही ठहरो, मैं पिछली तरफ से जाने की कोशिश करता हूँ। ये लो,
我现在很相信你很久了，我们还得了一个消息。 हमारा प्लान तुम्हारा भरोसे में किया था, अभी तक खबर नहीं। खबर मिलेगी, आप लोगों को यही बात बताने के लिए मैंने ये मीटिंग यहाँ बुलवाई है। तो चल सिर्फ वही जो उससे ना तो खाई जो हुई हम चोला जीसा जीसा बोलता कभी। बहुत जल्द मेरे आदमी खबर हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। नंबर 10 जनरल को अपनी रिपोर्ट दो। जनरल, जो आदमी हमसे गद्दारी करके इंफॉर्मेशन ले गया था वो अब उसे दूसरों को बेचने की कोशिश कर रहा है। नंबर 7, यस बॉस, इस बारे में मुझे ही पता चला है, बीच वाले आदमी से खुद मेरी बातचीत हुई है। तो जाना ही थोड़ा जाना खाला हम खाता पावरी ओ इडिया बारी सिम पंडावरी ये बोलता है किसी कीमत में खबर मांगता है। हाँ मुझे इसका ख्याल है। ओरे चुन दे तयिन दो सेंदा खंजोला छिदन निलाई तबला चुंग का शौशी ओरे थाई थाई जंग। हमारा फौज कब से हिंदुस्तानी बॉर्डर में खड़ा है, अगर 7 दिन का अंदर में हिंदुस्तानी फौज का नहीं मालूम होगा हमारा उठाया हुआ कदम पीछे हट जाएगा। मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये हो बिथंगोनी जनरल बोलता है अगर हम लोग कामयाब नहीं होंगे तो वो मेरी भी नाकामयाबी होगी। और जी हाँ ये बिथंगोनी ये बड़ी तरह से ना साला अगर हमारा प्लान बिगड़ गया तो तुम्हारा खत्म होगा। मुझे धमकी देते हो? याद रखो जनरल, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैंने तुम्हें खबर पहुंचाने का वादा किया था तो मैं और मेरे आदमी अपना वादा पूरा करेंगे। जाओ अपनी गवर्नमेंट से कह दो कि उन्हें ठीक वक्त पर खबर पहुंच जाएगी, मुझे बार बार तंग करने की जरूरत नहीं। तो जब गयो तुम बता। हाँ मुझे डराना चाहते थे। तुम यहाँ क्यों आए? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी नहीं देश की फिक्र है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी गद्दार निकलोगी, पैसों के लिए अपने देश को बेच दोगी।
पैसों के लिए इंसान अपना ईमान बेच देता है, अपनी इंसानियत बेच देता है, फिर देश क्या है? देश ईमान से बढ़कर है, देश का प्रेम ही सच्ची इंसानियत है। मैं तुम्हें देश से गद्दारी करने नहीं दूंगा, तुम्हें आज ही मेरे साथ पुलिस के पास चलना होगा और डॉक्टर जगदीश की साजिश का राज खोलना होगा। यानी अपने ही हाथों अपनी मौत को दावत देना होगा? शेखर, तुम डॉक्टर को नहीं जानते, पुलिस तक पहुंचने से पहले वो हमें मौत के पास पहुंचा देगा। देश को बचाने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं। देश 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 ने मेरे लिए क्या किया जो मैं उसके लिए कुछ करूं? जब मैं अनाथ सड़कों पर भूखी प्यासी भटकती रही तब किसने मेरी परवाह की? मुझे पाप और गुनाहों की गहराइयों में डूबने के लिए छोड़ दिया गया, तब कहां था तुम्हारा देश? अब मैं एक ही बात जानती हूं शेखर, और वो है पैसा। मेरे पास होगा तो जिस देश में रहूंगी वही मुझे अपना लेगा। शीना फूलो रीटा, किस देश ने तुम्हें जन्म दिया है? इसी देश का अन्न खा के तुम बड़ी हुई हो, क्या तुम इसे दुश्मनों के हाथों बेच दोगी? अब मैं जहां पहुंच चुकी हूं वहां से पीछे कदम हटाना नामुमकिन है। याद रखो, अगर तुम देश की बर्बादी में हिस्सेदार बनोगी तो अपने ही लोगों की बर्बादी के खिस्से तुम्हें कहीं भी चैन से रहने नहीं देंगे। तुम अपने ही गुनाहों की आग में हमेशा जलती रहोगी। बस करो, मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकती। शायद डॉक्टर साहब आया है, तुम कहीं छुप जाओ प्लीज। शेखर कमिंग। ओ डॉक्टर, कम इन। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। मिस रीटा, मैं तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा देने आया हूँ। मिस्टर फूलिंग ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। आई होप यू लाइक इट। बहुत अच्छा है। प्लीज सिट डाउन। नहीं रीटा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं सिर्फ ये तोहफा देने आया था। आई सी यू अगेन। बाय बाय। शीना फूलो रीटा, किस देश ने ही तुम्हें जन्म दिया है? इस देश का अन्न खा के तुम बड़ी हुई हो, कैसे दुश्मनों के हाथों बेच दोगी? अगर तुम देश की बर्बादी में हिस्सेदार बनोगी तो अपने ही लोगों की बर्बादी के हिस्से तुम्हें कहीं भी चैन से रहने नहीं देंगे। अपने ही गुनाहों की आग में हमेशा जलती रहोगी, हमेशा जलती रहोगी। तुमने क्या फैसला किया? मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूं। मेरे साथ रीटा।
और वो लोग हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग निकले। बस मैं कहता हूँ कि तुम लोग सो रहे थे क्या? बस हम इस रीटा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रीटा? कौन रीटा? जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, फिर चाहे वो रीटा ही क्यों ना। तो क्या मिस्टर रीटा? हाँ, अगर वो लोग जिंदा ना मिले तो फिर उन्हें मुर्दा ही मेरे सामने हाजिर किया जाए। ओके बॉस।
सामने झोपड़ा नजर आ रहा है। चलो कपड़े बदल लो। चलो चले आते हैं। जुल्फों का रंगी साया, जुल्फों का रंगी साया है तौबा खुदाया, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। जुल्फों का रंगी साया है तौबा खुदाया, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। जुल्फों का रंगी साया, चंचल हवाएं देखो, दिल की सदा है यही चुप ना रहो। जागे हैं अरमां मेरे मुखड़े पे गेसू तेरे, दिन है कि रात बोलो कुछ तो कहो। बोलो ना बोलो हमसे कहेंगे ये तुमसे, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। जुल्फों का रंगी साया, बहारे मेरी गुल भी पुकारे तुझे बाते सबा। दुनिया बनाने वाला तुझको बना के तोरी रूप बनाना है भूल गया। तुम्हारा है जमाना बना दो दीवाना, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। जुल्फों का रंगी साया तौबा खुदाया, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। जुल्फों का रंगी साया, वार्ड नंबर 7। बस शेखर और रेखा बच निकले और तुम खड़े खड़े मुंह ताकते रहे। बस तुम जैसे ही बेकार लोगों की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ता जा रहा है। गेट आउट, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। बस मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपकी बार उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं अब तुम्हारे भरोसे नहीं रहना चाहता। मुझे अब कोई दूसरा रास्ता निकालना ही पड़ेगा। रेखा, मैं लता से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम बॉस को सब कुछ बता देना। ओके, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। बाय बाय। अरे
आइए आइए मिस रेखा, वेलकम टू दिस प्लेस। तुम समझते हो मुझे पकड़ कर तुम बच जाओगे? याद रखो, शेखर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और जल्द ही सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। तुम भूलती हो रेखा, इससे पहले कि शेखर मेरी असलियत को दुनिया पर जाहिर करे उसे इस दुनिया ही से उठा दिया जाएगा। मेरे काम में रुकावट डालकर आज तक कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगी, शेखर भी नहीं बचेगा। कल सुबह के अखबार बड़े बड़े लफ्जों में ये खबर छापेंगे कि एक पागल प्रेमिका ने अपने प्रेमी का खून कर दिया और फिर खुदकुशी कर ली। वो पागल प्रेमिका तुम होगी और वो प्रेमी होगा तुम्हारा शेखर। लगता है डॉक्टर, पागलों का इलाज करते करते तुम खुद ही पागल हो गए हो। मुझे पहले से ही इस बात का शक था, सिर्फ एक पागल इंसान ही अपने देश से गद्दारी कर सकता है। यू फूल, तू अभी तक मुझे नहीं पहचान सकी। मैं डॉक्टर हूँ। बीमार जो नहीं चाहता वो भी उससे करवाना चाहता हूँ, और तुझे भी वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तुझे अपने हाथों से शेखर का खून करना होगा। बांधो इसे। उसने तुम्हें झूठे प्रेम के जाल में फंसाया है। उससे बदला लिए बगैर तुम्हारे मन को चैन नहीं पड़ेगा। तुम शेखर को खत्म कर दो। तुम उस झूठे प्रेमी को क्लब में बुलाओ और उसे खत्म कर। भैया, तुम मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। भैया बताओ तो भला, मैं तुमसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी तुम लता? मैं तुमसे ये कह रही थी भैया कि तुम जब भी यहाँ आया करो, रेखा जी को भी साथ लाया करो। तुम तो यहाँ रहते हो और तुम्हारा ध्यान रेखा जी में। नहीं लता, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल बात ये थी कि रेखा का फोन आने वाला था, न जाने अभी तक क्यों नहीं आया। मिस्टर शेखर, आपका फोन आया है, मिस रेखा बोल रही है। थैंक यू लता, अब मैं चलूं, कल फिर आऊंगा। हाँ भैया, तुम्हें याद है ना भैया, कल मेरी पट्टियाँ खुल रही है। हाँ हाँ लता, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं सबसे पहले कल अपने भैया को देखना चाहती हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं वक्त से पहले पहुंचूंगा। अब तुम आराम करो। हाँ अच्छा भैया। रेखा, मैं शेखर बोल रहा हूँ, कहो। शेखर, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ, बात मैं फोन पर नहीं पा सकती, तुम फौरन क्लब चले जाओ, वही बता दूंगी। हाँ हाँ, मुन्नई क्लब में। शाबाश, याद रखो शेखर बेवफा है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें उसका खून करना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे इसका खून करना ही पड़ेगा, मुझे शेखर का खून करना ही पड़ेगा, मुझे शेखर का खून करना ही पड़ेगा। तुझको सनम क्यों माना,
Ah!
झूठ बोल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। हट जाओ। आस्तीन के सांप, तुमने कातर को यहां छुपा रखा है। शेखर 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 नीचे मत जाओ, वहां जाओ, तुम देखोगे तुमसे देखा नहीं जाएगा। हट जाओ। क्या मुझे जिंदा देखकर तुम खुश नहीं हो रहे? भैया, जब मैंने आपके मौत की खबर सुनी, उस वक्त मुझ पे जो गुजरी, मैं बयान नहीं कर सकता। शेखर मेरे भाई। लेकिन इस वक्त आपके खून से रंगे हुए हाथ देखकर मुझे ये महसूस होता है कि मैं उसी वक्त मर क्यों नहीं गया। मेरा भाई और एक कातिल। हाँ, मैं कातिल हूं, लेकिन जिस बदमाश का मैंने खून किया है वो रीटा का कातिल था। उसने सिर्फ रीटा ही का खून नहीं किया, बल्कि मेरे अरमानों का भी खून कर दिया है। शेखर, तुम इस दुनिया को नहीं जानते। ये दुनिया एक ऐसा जंगल है जहां खूंखार भेड़िए बसते हैं। खून के रंग से डरकर इंसान इस दुनिया में जी नहीं सकता। इसीलिए जीने की लालच में आप इंसान से हैवान बन गए। शेखर भैया, मैं अपनी जान हथेली पे लिए आपके कातिल को ढूंढता रहा। मैं जानता हूं, मैंने आपके माथे पे लगे हुए गुनाहों का कलंक मिटाने की कसम खाई थी। शेखर भैया, आप ही बताइए, आपके खून से रंगे हुए हाथों का रंग कैसे पोछा जा सकता है? मेरे पास बहुत कीमती हीरे हैं। इनमें भी किसी के खून की लाली चमक रही है। नहीं 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 शेखर, मैंने इन हीरों के लिए किसी का खून नहीं किया, बल्कि जिस आदमी के साथ में हीरे लेने गया था उसने मुझे कत्ल करना चाहा, लेकिन मुकद्दर ने मेरा साथ दिया। छीना झपटी में उसके पिस्तौल की गोली उसी को लग गई और वो मर गया। मैंने सिर्फ उसकी मौत से अपने लिए एक नई जिंदगी खरीदी। स्मगलर उसे कातिल समझकर तलाश करते रहे और मैं यहां बैठा अपनी किस्मत चमकने के दिन गिनता रहा। शेखर शेखर, मैंने इन हीरों का सौदा पक्का कर लिया है। कुछ ही दिनों में मैं, तुम, लता यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, जहां बीते दिनों के दुखों की परछाई तक ना होगी। होगी तो सिर्फ आने वाले सुखी दिनों की एक खूबसूरत सुबह। आप, ये खूबसूरत सुबह कभी नहीं आएगी भैया। आपको ये अटैची केस और हीरे लेके मेरे साथ पुलिस में चलना होगा। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा शेखर। मैं अपनी जिंदगी भर के अरमानों के साथ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो आप ये चाहते हैं कि देश के लाखों इंसान तबाह और बर्बाद हो जाए? भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानते हो इस अटैची केस में क्या है? इस केस में हमारी फौज के वो राज हैं जिसका दुश्मन बड़ी बेचैनी से सीमा पर इंतजार कर रहा है। भैया, जानता हूं, लेकिन यही अटैची केस हमें इस देश से निकालकर खुशियों की दुनिया में ले जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा भैया, कभी होने नहीं दूंगा। शेखर, तुम अपने भाई की जान लेना चाहते हो? उस भाई की जान जिसने इन हाथों से पालकर तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, अपने कंधों पे बिठाकर तुम्हें दुनिया दिखाई है। शेखर, अपना खून पसीना एक करके
तुम्हें पढ़ाया लिखाया आज किसी काबिल बनाया है। क्या देश के लख इंसान हमारे भाई नहीं लेकिन एक आप हैं जो अपनी खुशी के लिए इंसानों को मौत के मुंह में झोंक देना चाहते हैं। भैया आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। भैया चलिए। शेखर शेखर मुझे माफ कर दो भैया। जल्दी भागो यहाँ ठहरना खतरे का नहीं। जल्दी भागो। लोग समझते रहे केशव मारा गया पर वो तो जिंदा है। क्या बक रहे हो नशे में हो क्या? बॉस मैंने उसे अपनी आंखों से सुंदर के साथ जाते हुए देखा है। तो जैसे अब तक हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जिंदा निकला। इसका मतलब है कि अटैची केस भी उसके पास है। अब क्या किया जाए? सुना है कि केशव को अपनी बहन से बहुत प्यार है। आपका मतलब? तुम जाओ और अस्पताल से केशव की बहन को उठा लाओ फिर देखता हूं क्या वो कैसे बच जाता। शायद किसी काम से ना आ सके होंगे पर तुम जी छोटा ना करो। जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले बदमाश उसे उठाकर ले गए। क्या उफ, अब क्या करें? मुझे डॉक्टर के अड्डे का खुफिया रास्ता मालूम है हमें वहीं चलना चाहिए। तो फिर चलो। तो ये बात है छबीले तुम पुलिस को लेकर डॉक्टर के सैनिटोरियम में पहुंचो जल्दी। हमारा वायदा था हम अपना चीज लेकर आएंगे। अभी दिन बीता नहीं सब्र करो मेरा वादा कभी गलत नहीं होगा। तुम्हारा वादा गलत नहीं होना मांगता हमको यकीन है तुम्हारा। फोन उठाओ और तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। हेलो ये तुम्हारा फोन वही केशव है? ये वही शख्स है जो मुझसे गद्दारी करके अटैच केस ले गया था। हेलो केशव माय डियर क्या हाल है भाई मजे में तो हो? तुम्हारे मरकर जिंदा होने की खबर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। डॉक्टर अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो तुम जिंदा ना बच सकोगे। अगर तुम्हारी बहन को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? भोले मत बनो केशव तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो फौरन अटैची केस वापस कर दो। मुझे मंजूर है।
और हम भी तुम्हारी बहन को सही सलामत वापस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुमने कोई चाल चली तो? चाल चलने की बेवकूफी तुम कर सकते हो, हम नहीं। हमारी दिलचस्पी तो सिर्फ अटैची केस हासिल करने में है, चाल चलने में नहीं, समझे? सैनिटोरियम के नीचे के जंगल में जहां रास्ता चढ़ाई की तरफ मुड़ता है मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, नंबर 9 दो घंटे में तुम्हारी बहन को लेकर वहां पहुंच जाएगा, राइट? इस लड़की को ले जाओ और अटैची केस मिलते ही इसे और इसके भाई दोनों को खत्म कर। ओके बॉस। मुझे मालूम था कि तुम यहां अपनी बहन को तलाश करने जरूर आओगे। तुम लोगों ने आज तक मेरे कामों में बहुत रुकावटें डाली हैं। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम समझते हो हम लोगों को मार के तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे? याद रखो, थोड़ी देर में जगह को पुलिस घेरने वाली है। यू फूल, तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूं। पुलिस मुझे यहां नहीं पाएगी, अगर पाएगी तो वतन के शहीदों की कुछ लाशें। मेरा यहाँ का काम खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ अपने आदमी का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम्हारे भाई से अटैची केस लेने गया। मेरे भैया किसी भी कीमत पर तुम्हें वो अटैची केस नहीं देंगे। जिस बहन की तलाश में तुम यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के आए हो उस कीमत पर भी नहीं? हाँ, अटैची केस मिलते ही केशव और तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया जाएगा। मुझसे दुश्मनी करके कोई नहीं बच सकता।
कुछ ही देर में ये रस्सी जल जाएगी और ये भारी तेज पत्थर गिरकर तुम्हारी गर्दनों को धड़ से जुदा कर देगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी दिलचस्प मौत का नजारा देखने के लिए मैं मौजूद नहीं रह सकता। वेल स्वीट ड्रीम्स एंड गुड बाय। चलो चलिए। देखिए क्या है डॉक्टर। अब तुम्हारा नाव उलट गया। ला ये टिकट मुझे दे दो। नहीं, तुम्हारा भी नाटक खत्म हो चुका है। अटैची केस को हाथ मत लगाओ। क्या शेखर, डॉक्टर के हाथ से अटैची केस ले लो। ये क्या मजाक, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम मेरे बॉस नहीं हो, उन लोगों के बॉस हो जिन्हें नकली नोट देकर डॉक्टर के आदमी ये अटैची केस लाए थे। मुझे कई छोटी छोटी बातों से इस बात का शक हो गया था,
कि तुम सीबीआई के ऑफिसर नहीं हो। क्या भक्ति हो? हाँ, तुमने खुद किसी भी वक्त अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहा। कोई भी सीबीआई का ऑफिसर अपना फर्ज निभाने से यूजी नहीं चुराता। मेरे काम में नुक्ताचीनी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हारे काम की रिपोर्ट मैंने सेंट्रल ब्यूरो में की थी। तुमने असली ऑफिसर का खून करके उसके कागजात हासिल किए और डॉक्टर से बदला लेने के लिए हमें उल्लू बनाया। अभी खेल खत्म ही कहाँ हुआ है? ट्रांसमीटर से हट जाओ। डॉक्टर वो अटैची केस मुझे दे दो। चल डॉक्टर। इस बेवकूफी का अंजाम जानते हो? अंजाम की फिक्र तुम जैसे गद्दारों को होनी चाहिए। जैसे शहीद की समाधि पर दिए जलकर ही रहेंगे। अभी हमको तुम्हारा जरूरत है। हम तुमको नहीं मारना चाहता। तुम्हारा भाई हमसे चालाक निकला। उसने डॉक्टर को गलत बैग देकर हमको बेवकूफ बनाया। क्या? हाँ, ये बैग बेकार है। तुम्हारा भाई तुमसे मिलना चाहता है। चलो।
जाओ अपने भाई को बोलो तुम ठीक है, उसे अटैची केस लाने को बोलो, उसके लिए हेलीकॉप्टर तैयार है। शेखर तुम अच्छे तो हो ना, मैंने उनसे कह दिया था कि मेरे भाई का बाल भी बांका हुआ तो अच्छा ना होगा। भैया, मेरे भैया। आज मैं कितना खुश हूँ, तुम मेरे पास हो, लता मेरे पास है, और खुशियाँ चंद कदम के फासले पे हमारा इंतजार कर रही हैं। भैया, मैं आपको ये फासला तय नहीं करने दूंगा। मैं समझता था देश प्रेम का पागलपन तुम्हारे दिमाग से निकल गया होगा, पर देखता हूं मौत के मुंह से लौटने के बाद भी तुम नादान ही रहे। तुमने इतना भी ना सोचा कि आज जो तुम्हें ये नई जिंदगी मिली है वो तुम्हारे इस भाई की वजह से मिली है। देश को तुम्हारे मरने जीने की कोई परवाह नहीं शेखर। भैया, ये जिंदगी इसी देश की देन है, मैं इसे एक क्या सौ बार कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जिस देश के तुम इतने गुनगा रहे हो उस देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया? माँ बाप की मौत के बाद हम यतीमों के सर पे देश ने कब प्यार का हाथ रखा, कब हमें पेट भर खाने को मिला, कब हमें तन ढांकने के लिए कपड़े नसीब हुए? शेखर, तुम नहीं जानते मुझे कैसी जिल्लत और मजबूरी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। तुम्हें और लता को जिंदगी के बेरहम थपेड़ों से बचाने के लिए मुझे इंसानियत की ऊंचाई से गुनाहों की गहराई में उतरना पड़ा। जो देश अपने भूखे नंगे बच्चों को दो वक्त रोटी और तन ढांकने के लिए कपड़ा न दे सके, तुम उसे अपना देश कहते हो? भूख और दुखों में जिस देश ने हमारी मदद नहीं की, आज उस देश का हम पर कोई अधिकार नहीं। क्या तुझे भी अपने भाई से प्यार नहीं? नहीं, जो देश का गद्दार हो वो मेरा भाई नहीं हो सकता। ठीक है, मैं अकेला ही जाता हूं। भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हट जाओ शेखर। भैया, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। भैया।